हेलो गाइस, तो आज मैं आपको बताऊंगा गड्ढे, सेब के गड्ढे कैसे बनाते हैं। हाँ गाइस, जहाँ तक भी नीचे तक, यहाँ नीचे 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 ये नजर जा रही है, ये सारा मेरा है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं और मेरा भाई, बुआ का बेटा मिस्टर अंकित, स्पेशल गड्ढे बनाने आया है मेरे साथ, जिसको मैंने आज काम करने लगाया हुआ है। ये देख सकते हैं आप, ये गड्ढे बना रखे हैं हमने, इसको झब्बल चलाने मैंने रखा हुआ था और मैं बेलचा चला रहा हूँ। और आप देख सकते हैं इधर मैंने पहले भी हमने काफ़ी सारे गड्ढे बना दिए। ये मेरा सेब का बगीचा है, ये देख सकते हैं आप पीछे, ये परे तक, यहाँ परे तक सेब का बगीचा है। इसमें रॉयल है, ये भी मेरा ही है, इसमें ये जो है ना, ये स्पर है सारे, तो जहाँ तक नजर जा रही वहाँ तक मेरा है। हाँ गाइस, जहाँ तक भी नीचे तक, यहाँ नीचे 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 ये नजर जा रही है, ये सारा मेरा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और ये पार सामने देख रहे हैं ना, ये वाला, ये मेरा घर है ये, ठीक है। और ये मेरा प्यारा सा गांव। ये गड्ढे से मिट्टी निकालने में बहुत मेहनत लगती है, पूरी जान पड़ जाती है। और आप देख सकते हैं बहुत ही गहरे गहरे गड्ढे बनाने पड़ते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है। इसमें जो ये जड़े होती है ना, जड़े, ये इसमें कीड़ा लग जाता है, तो इस जड़ों को भी निकालना पड़ता है ऐसे ऐसे करके। तो गाइस देख सकते हैं आप, बहुत मेहनत होती है, अगर किसी को इतनी मेहनत करनी है तो क्या नाचो मैं? आ जाए मेरे घर, आप सभी को इनविटेशन है। हेलो गाइस, तो आज मैं आपको बताऊंगा गड्ढे, सेब के गड्ढे कैसे बनाते हैं। अबे साले तभी उसके लिए हमें तीन अस्त्रों की जरूरत लगती है। सबसे पहला जो अस्त्र है वो है ये कस्सी। ये कस्सी, इससे सबसे पहले खोदा जाता है जमीन को। तो जैसा मैंने बोला था, ये पहले कस्सी का काम, तो कस्सी से हम खोदेंगे, जो मिट्टी है वो साइड निकालेंगे। गड्ढे का जो आकार है ना, गोल आकार, इसका जो साइज होगा लगभग 3 फुट चौड़ा और 2 फुट गहरा, 3x2 का गड्ढा बनाएंगे सेब के पौधे के लिए। हमेशा ही जब भी गड्ढा बनाए तो ज़्यादातर चौड़ा ही रखें, क्योंकि जो जड़े हैं ना उसकी काफ़ी ज़्यादा फैलती है, तो फैलने में आसानी होगी। ये हमारा गोल गोल शेप गड्ढा, कस्सी से हम आकार दे देंगे इसको, तो इसमें बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत की काम है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। और फिर दूसरा जो अस्त्र है वो है ये बेलचा, इसको बोलते हैं बेलचा। इससे जो है गड्ढे की मिट्टी बाहर निकाली जाती है गड्ढे से। इससे हम क्या करेंगे, ऐसे मिट्टी निकाल के साइड रख देंगे, ये गाइस बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इन गड्ढों को बनाने में। तो गाइस ये मेरी मेहनत से थोड़ा सा गड्ढा तैयार हो चुका है। और तीसरा जो अस्त्र है हमारा वो है ये भारी सी झब्बल। इससे चाहे आप बॉडी बनाओ, कोई चक्कर नहीं। तो ये तीन अस्त्र है। तो गाइस अब हमारे तीसरे औजार की बारी है, ये झब्बल। अब इस झब्बल को चलाएंगे और गहराई देंगे इस गड्ढे को ऐसे। गाइस ये आप देख सकते हैं नीचे करता है, नीचे ऐसे, ये गाइस आप देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है गाइस। सेब के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है और बाद में हमारे को क्या मिलता है, बाबा जी का ठुल्लू। क्या बाबा जी का ठुल्लू? एक एक पौधे के पीछे इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इसके लिए
खाद गोबर घास, घास तो क्या, घास आने देना पड़ता है तौली में, पॉल्टी लानी पड़ेगी। अभी पौधे 100 रुपए के पड़ेंगे, पॉल्टी का रेट मेरे को पता नहीं है क्यों मैं परमानेंट हूँ नहीं। चल इसको तो कैटर कर देंगे, और क्या बोलूं बाबे, झूठ बोलो बार बार झूठ बोलो। तो गाइस अगर आपको भी गड्ढे बनाने हैं यहाँ आसपास या कहीं पर भी गड्ढे बनाने हैं तो कॉन्टैक्ट करें साहिल लूटा को, 3x2 का साइज है और एवरेज दिन की आ जाएगी लगभग 40 से 50 गड्ढे की। दो बंदे हैं, मैं और मिस्टर अंकित। अगर आपको बंदे लाने हैं तो मुझे कॉन्टैक्ट कर दे, मैं गड्ढे बनाने के लिए तैयार हूँ। 50-60 रुपये जितना भी रेट आजकल चला हुआ है उस हिसाब से गड्ढे बन जाएंगे आपको और दिन की एवरेज पूरी निकल जाएगी। आपको कोई मजदूर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, हमें लाएं, हम काफ़ी अच्छे एक्सपर्ट जो है, हमारी एक्सपर्टीज़ है इस चीज़ में। मैं काफ़ी सालों से गड्ढे करता आया हूँ, तो कॉन्टैक्ट करें मुझे अगर आपको भी बनाने हैं। बाकी मैं थोड़ी फादे भी मारता हूँ, नहीं भी आऊँगा तो क्या कर लेंगे आप मेरा। ये क्या है? तो इसी बात पे चैनल को लाइक करें। अबे साले, तभी मैं चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद गाइस। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कल हमारे गड्ढे कंप्लीट नहीं हुए थे, आज हमारे गड्ढे कंप्लीट हो गए। अब हम बैठे हुए हैं थके हारे दोनों भाई, और हमने दो बंदे भी लगाए हुए जो कटिंग कर रहे हैं इस वक्त, मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए आप, ये कटर देख सकते हैं आप, इसने आधे घंटे से इसी जगह में फंसाया हुआ है अपना। अरे ये बड़ी मुश्किल से, अभी भी ऊपर से 500 की शर्त आई कि अगर ये काट देगा तभी इसको 500 रुपये मिलेंगे, तब काट पाया ये। और दूसरा कटर ये यहाँ पर लगा हुआ है, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, इनको खुद को आती नहीं है कटिंग करनी। अब गाइज मैं इनको सिखाऊंगा कटिंग करनी कैसे करते हैं। तो गाइज मैं भी कटर बना हूँ, मैंने अपनी अपना औजार ले आया, अब मैं भी कटिंग करूँगा। लो आपका डंडा। तो सर ये तो चप्पल से मार रहा है, है? पकड़नी। तो गाइज ये आपको बताएगा पाउल्टी कैसे पकड़नी है। तो ये है पाउल्टी पकड़ने का तरीका, सीधी खड़ी और यहाँ पर देख सकते हैं आप पकड़ दी है एक उंगली से। कोई जरूरी नहीं एक उंगली से, 5 उंगली से पकड़ सकते हैं आप चाहे तो। 4 उंगली होती है, एक अंगूठा होता है। अगर दूसरे हाथ की करेंगे एक तब तो चार। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। 5 तो 5 बनती है ना फिर यार, हद है यार तेरे भी। तो मैं जो हूँ बेलचा ही आदमी, बेलचा से बेलचा मिट्टी डालेगा। गाइस ये हमारा आखिरी जो पौधा है, ये है वो आखिरी पौधा, अब हम इसमें मिट्टी डालेंगे और इसको बंद कर देंगे। तो ऐसे डालते हैं ऐसे, आपको बता दिया था मैंने पौधा कैसा खड़ा करते हैं, मिट्टी कैसे डालते हैं वो आप सीखिए मुझसे, मिस्टर साहिल लुट्टा आपको बताएगा। ये यहाँ से पौधे पर मिट्टी पड़ गई तो पूरा पौधा ब्लॉक कर देना है मिट्टी से ऐसे, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा एयर टाइट भी करें को दिखाएंगे ऐसे, इसको एयर टाइट करते हैं। अब मैं यहाँ से ये डालूंगा, ये सारी जो है गाइस ये हमने भर दी है, पूरा गड्ढा भर दिया है। अब ये मिस्टर अंकित एयर टाइट करेगा इसको, यहाँ से इसलिए दबा रहे हैं ताकि कोई हवा ना घुसे और ये सेट भी रह जाए। तो गाइस ये हमने लगा दिए हैं सारे पौधे, अब हम अलविदा चाहेंगे आपसे, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। साथ ही साथ ऐसी वादियों में घूमना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करें, साहिल लूटा क्रिएशन को, और
और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए साहिल लूटा क्रिएशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा के नए वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त करें।